लोहड़ी दिया लख लख बधाइयां आई डोंट नो हाउ टू पैक लेस यार काश मैं वो लेके आ सकती थी एंड द मेन प्रॉब्लम इज हाँ हाँ मुझे याद आया मुझे याद आया शिट मैं भूल गई फिर से व्हाट एल्स आई हैव टू से हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आई एम लविशा सो ये काफ़ी रैंडम ब्लॉग होने वाला है एंड दिस विल बी अ कम्बाइंड ब्लॉग ऑफ 3 to 4 days बिकॉज आज है 13th of January दैट मीन्स आज लोहड़ी है सो लोहड़ी दिया लख लख बधाइयाँ एंड कल मुझे सारी पैकिंग करनी है बिकॉज परसों मैं वापस दिल्ली जा रही हूँ मैं न्यू ईयर के लिए घर आई हुई थी एंड अब वापस जाने का टाइम हो चुका है मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है वापस जाने का बट देन ओके जाना पड़ेगा मेरा कॉलेज स्टार्ट हो चुका है मेरा 4th semester है कॉलेज का एंड येस मैंने सोचा कि जो भी 3-4 दिन है जो मेन इवेंट्स हो रहे हैं उस दिन में सो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दोज इवेंट्स एंड येस लेट्स स्टार्ट द व्लॉग अभी मेरे घर पर बन रही है पिन्निया सो बेसिकली जिनको नहीं पता कि पिन्नी क्या होती है सो पिन्नी इज़ बेसिकली अ लड्डू जो कि आटे से एंड घी गुड़ एंड ड्राई फ्रूट से मिलके बनता है एंड सर्दियों में स्पेशली बनता है यहाँ पे बहुत ठंड है नॉर्थ इंडिया में इस बार बहुत ठंड पड़ रही है सो लेट्स गो इन द किचन मम्मी के साथ एंड देखते हैं मम्मी कैसे बना रही है एंड देन फिर उसके बाद हमें आज लोहड़ी सेलिब्रेशन भी करना है सो येस लेट्स स्टार्ट द व्लॉग तो आज बन रही है घर में पिन्निया बताओ ये क्या कर रहे हो आप आटा ये इसमें आटा भून रहे हैं और ये इसमें क्या क्या मिलाया है ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करके उसको थोड़ा थोड़ा पीस लिया है और अलसी तिल अलसी काजू बादाम मूंगफली और गोंद भी इन सबको रोस्ट करके पीस के रख लिया है अभी आटा बन रहा है फिर अभी गुड़ और खोया भी होगा फिर उसको फिर बॉल्स बनाएंगे Begin our Lohdi celebration. बहुत टूट जाएगा ना आवाज से। बोतल क्या? इसको भी। अभी हम आए हैं लकड़ियाँ ढूंढने मतलब पता है हमने कहाँ रखी हुई है लाइट नहीं आ रही है क्या है ये नहीं चलेगा तो हमने सब तैयारियाँ कर ली है सोनाली से हाय टू माय व्लॉग से हाय टू माय व्लॉग हेलो एवरीवन सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड एज यू कैन क्लियरली सी यहाँ पर पूरी पैकिंग चल रही है बिकॉज मुझे कल जाना है मुझे कल यहाँ से सुबह 10 o'clock निकलना है एंड अभी इट्स अराउंड 9 o'clock सो ये सब पैकिंग चल रही है एंड वन थिंग जो आई गेस मेरे साथ प्रॉब्लम है ये कि आई डोंट नो हाउ टू पैक लेस सो अगर मैं 2 दिन के लिए भी आती हूँ घर पर तो भी मैं पूरा बड़ा बैग लेकर आती हूँ एंड ये पूरा कम्प्लीटली फिल्ड होता है एंड साथ में एक बैकपैक और अभी तो चलो मैं 15 दिन के लिए आई थी सो इतना सामान लाना मेक सेंस बट द थिंग इज कि मैं सिर्फ घर पे बैठती हूँ जो मेरे 2-3 कंफर्टेबल क्लोथ्स हैं जो मैं घर पे पहन के बैठती हूँ मैं सिर्फ उन्हीं में ही बैठी रहूँगी एंड इन केस अगर मुझे कहीं बाहर जाना है सो एक जीन्स और एक टॉप मतलब इतना इनफ है अगर मैं सिर्फ इतना लेकर आऊँ बट आई डोंट नो मेरे दिमाग में ऐसा क्यों होता है कि यार अगर ऐसी अगर इसकी ज़रूरत पड़ गई तो मतलब मेरे पास वो सामान होना चाहिए ताकि मुझे ऐसा ना फील हो कि यार काश मैं वो लेके आ सकती थी और मैं वो लेके नहीं आई हूँ तो इसलिए मैं पूरा अपना वहाँ से सामान लेकर आती हूँ हर बारी चाहे मैं 2 दिन के लिए आऊँ चाहे मैं महीने के लिए आऊँ चाहे मैं 2 महीने के लिए आऊँ एंड अब मेरे पास बिकॉज अब सर्दियाँ बहुत ज़्यादा हो चुकी है एंड मैं जो बहुत मोटे मोटे कपड़े थे बहुत मोटी जैकेट्स थी मैं वो लेकर नहीं गई थी पहले दिल्ली सो अब मुझे वो भी लेके जानी है ये मेरा पूरा बड़ा वाला बैग भर चुका है एंड अभी इसमें भी सारे कपड़े नहीं गए हैं अभी और कपड़े भी बचे हैं एंड स्किन केयर मेकअप ऐसे छोटा मोटा और बहुत सारा सामान है और आई डोंट नो कितने बैग्स मुझे लगेंगे एंड द मेन प्रॉब्लम इज़ कि यहाँ से तो चलो मेरे पास पूरी गाड़ी है मैं जितना मर्जी भर के लेके जाऊँ
बट देन वहां मेरे पास जगह नहीं है, वहां पे एक बहुत छोटा सा रूम है एंड उसमें भी हम दो लड़कियां रह रही है, तो मेरे पास सिर्फ एक इतनी साइज की अलमीरा है एंड इतनी साइज की अलमीरा में मैं कितना कुछ रखूंगी मुझे समझ में नहीं आ रहा है। एंड सर्दियों के कपड़े भी बहुत मोटे मोटे होते हैं, सो आई डोंट नो मैं वहां पे जाके कैसे मैनेज करूंगी। अभी ये सिनेरियो है आज का एंड हर बारी ओके सो ये काफ़ी चिट चैट लव व्लॉग हो रहा है, सो ओके आई लव टू टॉक, ठीक है। तो प्लीज़ टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको ऐसे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं एंड इफ आई शुड मेक मोर ऑफ दीज और नॉट। एंड मैं क्या कहने वाली थी, शुड आई फॉरगॉट मैं क्या कहने वाली थी, पता है मेरे साथ यही प्रॉब्लम होती है, अगर मेरी बात को इंटरप्ट कर देना या मैं खुद भी किसी और बात में शिफ्ट कर जाऊँ तो मैं वो पुरानी बात भूल जाती हूँ। वेट मुझे याद आएगा अभी। 20 minutes later. ओके मुझे नहीं याद आ रहा है, सो लीव इट मैं क्या कहने वाली थी। सो यस एंड मैं वहाँ जाऊँगी तो आई एम सो हाँ हाँ मुझे याद आया मैं ये कह रही थी, शिट मैं भूल गई फिर से यार। मुझे याद आया, अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है। मैं ये कह रही थी कि हर बारी मुझे मतलब जब मैं घर से जाती हूँ तो मुझे बस ऐसा ही होता है कि यार मुझे नहीं जाना, मतलब मुझे मेरी मम्मी के साथ ही रहना है मुझे एंड मुझे वापस जाने का मन नहीं करता है हर बारी जितनी बार भी मैं आई हूँ। बट अब मुझे 15 दिन हो चुके आए हुए एंड अब मुझे हो रहा है कि नहीं यार वापस जाना है, कॉलेज जाना है, मुझे वो कॉलेज में जाके मेरे फ्रेंड्स से मिलना है, मुझे वो फ़न करना है जो वो लोग कर रहे हैं। सो मुझे आज पहली बार ऐसा लग रहा है कि ओके मुझे वापस जाना चाहिए एंड यस अभी तक तो बस यही सब चल रहा है। What else आई हैव टू से नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स पैक जो बाकी सामान बचा हुआ है। ऑल्सो आई हैव टू शो यू वन थिंग, आई रिसेंटली गॉट दीज सेटिन पिल्लो कवर्स एंड इन दिस वट कलर इज दिस, दिस डार्क ग्रीन। ये कैमरा पे थोड़ा अलग शो हो रहा है बट या इट्स पीकॉक ग्रीन आई गेस, सो पीकॉक ग्रीन कलर में, बिकॉज मेरे बहुत फ्रिजी बाल है एंड जो कॉटन के पिलो कवर्स होते हैं ना वो और फ्रिक्शन रेस करके आपके बालों में और फ्रिज लाते हैं, इफ दैट मेक्स सेंस। सो या सो इसलिए एंड जो कॉटन होता है वो आपकी जब आप सोते हो अपने पिलो कवर पे कॉटन है बिकॉज तो वो मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है आपके स्किन में से एंड सेटिन या सिल्क पिलो कवर्स वो ऐसा नहीं करते हैं। सो यस नाउ आई एम स्विचिंग टू दीज सेटिन पिलो कवर्स एंड आई विल कीप यू गाइज अपडेटेड इफ ये कुछ मेरे बालों में या मेरे स्किन में कुछ डिफरेंस क्रिएट करते हैं। एंड यस नाउ लेट्स पैक। Everyone, so it's 15th of January and सुबह के 10 बज रहे हैं, मैंने रात को पैकिंग कर ली थी, now it's time to leave and ये सारा सामान पैक हुआ पड़ा है। मैं उठ के बस मैंने ब्रश किया है और खाना नाश्ता किया है एंड जो थोड़ा बहुत सामान था वो मैंने पैक कर लिया। मेरी आंखें अभी भी ऐसे लग रही है मैं सो के उठी हूँ बट मुझे एक घंटा हो चुका है सो के उठ के एंड यस अभी हम निकल रहे हैं। सो आई रीच दिल्ली अराउंड 3 o'clock एंड यू कैन सी दिस येलो वॉल। ये येलो वॉल जब भी दिखती है दैट मीन्स मैं मेरे हॉस्टल रूम में हूँ एंड हैविंग सेड दैट अगर आप लोगों को मेरे हॉस्टल रूम का टूर चाहिए डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आगे किसी वीडियो में करूँगी मेरे रूम टूर। एंड येस दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग आई गेस, मैं जब से आई हूँ मैंने कुछ किया नहीं है, मेरा दिस पोर्शन ऑफ माई हेड इज़ पेनिंग जब से मैं आई हूँ एंड कुछ अनपैक नहीं किया है अब तक, मैं बस ऐसी बैठी हूँ बिकॉज मेरा कुछ करने का मन कर नहीं रहा है। बट या दैट्स इट फॉर दिस व्लॉग एंड डू टेल मी इन द कॉमेंट सेक्शन अगर आपको ऐसे मेरे ब्लॉग पसंद आ रहे हैं, लाइक ज़्यादा बोलने वाले ज़्यादा बात करने वाले, if I should make more of these vlogs or not. And yes, that's it. I hope you like this video and if you do like it, make sure to give this a thumbs up and share this video with your friends and family. Subscribe to my channel and I'll see you in my next video. Till love yourself and take care of yourself. Bye.